तो सबों को मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ आज के सुबह में। तो आइए हम जैसे हम यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं परमेश्वर की आराधना महिमा के लिए, तो हम छोटे से प्रार्थना करेंगे इस समय आज के दिन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम उसकी इबादत करेंगे। तो आइए इस समय हम छोटे से दुआओं के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो हम सभी लोग अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे इस समय, और आइए हम इस समय सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम छोटे से दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को यहाँ पर उपस्थित किया है प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना को कर सके, आपकी महिमा को ताकि हम कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यहाँ पर हम अपने लिए नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके लिए हम यहाँ पर मौजूद है प्रभु जी, आपकी आराधना महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, इस समय हम आपकी पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं इस समय परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सबसे ऊंचा है पिता परमेश्वर, आप सबसे महान है पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी मधुर प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपके आशीषों के लिए पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सबों को जीवित रखा है प्रभु जी, ताकि हम आज के दिन में आकर के मिलकर आपकी आराधना को कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यहाँ पर आपके जितने सारे बच्चे मौजूद है प्रभु जी, सभी को आशीष कर, सबों को प्रभु जी परिपूर्ण से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर पिता, आपके सामर्थ्य से परिपूर्ण कर पिता, ताकि हम सभी लोग एक होकर मिलकर आपकी आराधना को कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आपके जितने सारे बच्चे मौजूद है प्रभु जी, हम प्रत्येक जनों को आपके हाथों पर हम समर्पित करते हैं पिता। अब हमें आशीष कर पिता, अब हमें मदद कर प्रभु जी, ताकि हम सभी लोग दिल से आपकी आराधना कर सके पिता, सच्चाई से, ताकि हम आपकी आराधना कर सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, हमारे पासवान को आपके हाथों पर हम समर्पित करते हैं, जिनके द्वारा आज हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं कि आप उन्हें आज इस्तेमाल कर, आपके सामर्थ्य से परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, ताकि आज हम आपकी वचनों की आवाज को, आपकी शब्दों को, ताकि हम सुन सके पिता परमेश्वर। हालेलुया, लॉर्ड जीसस। पिता, इस समय हम हमारे टीम को पिता परमेश्वर, हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आपके हाथों पर हम समर्पित करते हैं पिता। आप हमें मदद करिए, ताकि हम जो भी गाएं, जो भी हम करें, केवल आपकी महिमा के लिए हो सके पिता परमेश्वर। आगे के समय को पिता हम आपके हाथों पर समर्पित करते हैं प्रभु जी, छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। ठीक है, तो आइए हम आज की आराधना की शुरुआत के लिए हम गाएंगे मिलकर हम सन्ना तेरे गाते। हम सभी लोग मिलकर इस गीत को हम गाएंगे और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हम कोई भी चुपचाप ना रहेंगे और हम क्या करेंगे, सभी लोग जोर से ताली बजाएंगे हम और परमेश्वर के नाम के हम जयजयकार गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरे गाते, पेज नंबर 34 से हम गाएंगे, पेज नंबर 34, मिलकर हम सन्ना तेरे गाते। मिलकर हम सन्ना तेरे गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सब लोग सब मिलकर, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जे जे हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जे जे हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा,
हालेलुया। बहुत सारे लोग गा नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए सभी लोग मौजूद है, तो हम सभी लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। सभी लोग जोर से हम गाएंगे, ठीक है। हम सभी लोग कहेंगे यीशु मसीह की जय। आवाज नहीं आ रहा, जोर से हम कहेंगे यीशु मसीह की जय। ठीक है, इस समय हम एक और एक गीत गाएंगे, हम जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हमारे पेज नंबर 30 से हम गाएंगे, और हम इस समय कोई भी चुपचाप नहीं रहेंगे, हम सभी लोग जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए मौजूद है। तो इस समय हम मिलकर के सभी लोग गाएंगे जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। नंबर 30 सभी लोग मिलकर गाएंगे यीशु मसीह की जय। आइए हम इस समय और एक गीत गाते हैं, हमारे दूसरे फाइल से हम इस समय गाएंगे दीज आर द डेज ऑफ एलिजा। हम सभी लोग मिलकर के, जैसे हम जानते हैं कि हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं बहुत ही जल्द हम सभी मसीहों को लेने के लिए, तो आइए इस समय हम इस गीत को दिल से हम सभी लोग गाएंगे दीज आर द डेज ऑफ एलिजा। हम सभी लोग ताली बजाएंगे और जोर से ऊंची आवाज में हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। हमारे दूसरे फाइल से सॉन्ग नंबर 3 से हम गाएंगे सॉन्ग नंबर 3 दीज आर द डेज ऑफ एलिजा। दीज आर द डेज ऑफ एलिजा डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are the days of your trials, of famine and darkness and sore. Still hear the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Now the water again. Holy comes, riding on the cloud, shining like the sun. Call it your voice, say you're a super.
These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are aligning the world. And we are the laborers in your kingdom, declaring the word of the Lord. Behold, he comes riding on the cloud, shining like the sun. हालेलुया। आइए इस समय हम हमारे सृष्टि करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम सभी लोग ताली के साथ हम महिमा देंगे इस समय। हालेलुया। आइए हम इस समय फिर से और एक गीत गाएंगे। हम अपने हाथों से बनाया है परमेश्वर ने हम सबों को, अपने ही सामर्थ्य हाथ से, अपने पवित्र हाथों से हम सबों को बनाया है। तो इस समय हम इस गीत को गाएंगे और इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपके फाइल में देखो एक जेरोक्स कॉपी होंगे, तो आप सभी लोग इस समय मिल करके देख करके हम सभी लोग गाएंगे। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, इतनी रहमत इतनी चाह है नाम उसके
हालेलुया। ये कितना सच्चाई है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से हम सबों को बनाया है। हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने हम सबों को बनाया है, तो हमें परमेश्वर की इबादत करना चाहिए, परमेश्वर की हमें लगातार आराधना करना चाहिए। तो आइए हम इस समय और एक गीत गाएंगे। आपके वही जेरोक्स कॉपी में पीछे तरफ देखिए, और एक गीत है यहाँ पर। तो हम इस समय जैसे हम इस गीत को गाएंगे, हम सभी लोग परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारा जीवन में किया है, आशीषों को रखा है, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और अगर आपके जीवन में कुछ दुख हैं, समस्याएं हैं, इस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से आप बोल सकते हैं, ताकि परमेश्वर आपके सारे दुखों को, आपकी परेशानियों को आपके परिवार से, आपके जीवन से हटा सके। Thank you.
सभी लोग अपने आंखों को हम बंद करेंगे और इस समय हम परमेश्वर खुदावन को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी हमारे दुखों में, हमारे परेशानियों में, प्रभु जी हमारी कठिनाइयों में पिता परमेश्वर आपने हमारे सहारा बना है पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। जब हमारे अपने लोगों ने, हमारे पास के लोगों ने जब हमें छोड़ के चले गए पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमारे साथ रहा है पिता प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें कभी भी त्यागा नहीं पिता परमेश्वर, आपने हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है पिता परमेश्वर, लेकिन हमेशा प्रभु जी आप हमारे साथ बने रहे पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपने हमारा दोस्त बना पिता परमेश्वर, आपने हमारा उद्धार करता है बना पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता, आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया है प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद देते हैं। हमसे जो भी हुए पिता परमेश्वर, ताकि इस सारी चीज़ों के द्वारा, इन गीतों के द्वारा प्रभु जी, हमारे द्वारा पिता, ताकि आपको महिमा मिल सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आप सबसे अनोखा है पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रेम सबसे महान है पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह, आप सबसे महान है पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया लॉर्ड जीसस पिता, आगे के समय को प्रभु जी हम आपके हाथों पर समर्पित करते हैं पिता, हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमसे बात कर पिता, आपके वचनों की आवाज़ को ताकि आज हम सुन सके प्रभु जी, आपकी इच्छाओं को ताकि आज हम जान सके पिता परमेश्वर। हमारे हरे जनों के जीवन को आपके हाथों पर हम समर्पित करते हैं, आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों पर हम समर्पित करते हैं, हम हरे जनों को आपके सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। इस छोटे से दुआ विनती को आपके हाथों पर हम समर्पित करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, आमेन आमेन।